आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का, इंसान का सबसे बड़ा अवगुण क्या है। हम चाणक्य के हिसाब से बता रहे हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा यानी दूसरों की निंदा सबसे बड़ा पाप है। यदि आप सच बोल रहे हैं तो सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है, यश सबसे उत्तम अलंकार है, आभूषण है, उत्तम विद्या सबसे श्रेष्ठ है और अपयश मृत्यु के समान सर्वाधिक कष्टकारक है। आचार्य चाणक्य ने जो चाणक्य नीति में कहा है, मतलब यह है कि लोभ जो है वो दुर्गुणों का खान है। यदि लोभ है तो अन्य दुर्गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा दुर्गुण हो गया। यदि आप में चुगलखोरी का स्वभाव है तो फिर बस हो गया, और पतित होने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया, इनफ हो गया। चाणक्य का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जीवन में सच्चाई है, सत्य है, तो फिर आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। मन की शुद्धि से तीर्थ की, प्रेम है तो गुणों की, यश है तो आभूषणों की, और श्रेष्ठ विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं है। मन है ने कावत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वही मन की शुद्धि ही तीर्थ है। यदि आप प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहते हैं तो यही आपके गुण है। यश है तो आपको आभूषण की जरूरत नहीं है, और यदि आप विद्यमान हैं, तो जब विद्यमान है तो फिर तो धन की आवश्यकता कहां रहती है। आप जहां जाओगे धन आपके पीछे जाएगी, धन का उपार्जन कर लोगे आप। और इसी तरह आपके साथ कोई कलंक लगा हुआ है, अपयश लगा हुआ है, तो मृत्यु से भी बदतर है, तो मृत्यु की कहां आवश्यकता है, वो तो जीते जी मर रहे हो आप। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।